नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरविंद और ट्रैक्टर चैनल पर। तो भाइयों, आज मैं दिखाता हूँ आपको अपना ट्रेंच विधि का गन्ना। दोस्तों, ये जो है बैल सिंचे बो रखा हमने और काफ़ी शानदार जम रहा है देखो। और हमने जो है कल इसकी जुताई करी है और अब जो है ऐसा दूसरा पानी देंगे हम। एक पानी दे चुके हम इसको। और भाइयों, इसके जो है ट्रैक्टर की द्वारा जुताई करी हमने, देखो काफ़ी अच्छा जमा हुआ है इसमें। और दोस्तों, इधर जो है हमारी पेड्डी बो रखी है हमने, कुछ गन्ने खड़े हैं इसमें अभी। ये देखो भाइयों, ये दो पर्ची गन्ने रह रहे और इसमें पेड्डी देखो भाइयों कितनी ज़बरदस्त निकल ली है। और दोस्तों, अब आपको मैं दिखाता हूँ आपको मिर्च की फसल अपनी। तो दोस्तों, हमने थोड़ी सी मिर्च लगा रखी है। और भाइयों, ये देखो हमने गेहूं का ही बोया है, ये भी बैल सिंची पे बोया सारा। 7-8 बीघा खेत है ये भी सारा बैल सिंची पे बोया हमने। और दोस्तों, ये जो है हमारी मिर्च है, ये जो है दोस्तों में मिर्च है 2 महीने से ऊपर की होगी और इन पर जो है अभी 3 बार मट्टी चढ़ चुकी है, 4थी बार अब लगाएंगे इसको इस पर। और मिर्च भी आ रही है, देखो भाइयों दिखाता हूँ आपको। ये देखो छिद्दी छिद्दी मिर्चें हैं किसी किसी पेड़ पे भी। बाकी खेत जो है दोस्तों पूरा साफ खड़ा है, बिल्कुल कोई रोग नहीं है खेत में। हमने अभी 3-4 दिन पहले पानी दिया था इसको, तो उसमें देखो थोड़ी थोड़ी घास जम रही है। इसकी जो है झोटे से जुताई करेंगे हम कल्टीवेटर से। और दोस्तों, मिर्च की फसल जो है बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है मिर्च की फसल का। ये देखो भाई, मिर्च आ रही है इस पे भी, पेड़ पे भी। और दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने मिर्च लगा रखी है, अपनी मिर्चों की फसल को जो है अच्छी तरीके से करें, पेड़ को जो है बढ़िया तरह देखे दोस्तों, क्योंकि रोग का पता नहीं चल पाता है ऊपर से देखने से। तो इसलिए पेड़ को जो है बहुत आराम से नीचे से देखे, मकड़ी या मच्छर बहुत ही ज़्यादा लगता है इस पेड़ पे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना।